Hello everybody, welcome back to my channel. This is Bhukkadi Girl back again with another video. So as you all know कि हम जा रहे हैं आज ट्रिप के लिए. मैं नॉर्थ ईस्ट जा रही हूँ. तो अभी बजे है सुबह के 7 और हमारी ट्रेन है कल्याण को कुछ 8:13 को. तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना होगा. और येस, आई एम शूटिंग विद दिस GoPro Hero 7. चलो देन मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पे. एक्चुअली मैंने कहा था कल कि हम मिलेंगे कल्याण, बट सीन कुछ ऐसा हो गया कि ना बहुत जल्दी था और फिर हम ट्रेन में चढ़े. उसके बाद सामान वगैरह डाला अंदर, तो फिर सब कुछ सेटअप किया, उसके बाद कुछ खाया लिया और फिर ना कंटाल आ गया था. सो मैंने व्लॉग नहीं किया. तो ये है हमारी सवारी. 2 दिन की जर्नी है यहाँ इस ट्रेन से. यहाँ से हम जाएंगे गुवाहाटी और वहाँ से जो आगे का जो जर्नी रहेगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. और हमने कुछ ऑर्डर किया है डोमिनोज से. वो आज का हमारा लंच रहेगा, बिकॉज हम जो घर से खाना लाए थे वो कल ही ख़त्म हो गया है. सो अभी बाहर से खाओगे. और हाँ, कल ब्लॉग नहीं किया बिकॉज बहुत कंटाला आ गया था एक्चुअली, और सबके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, इसलिए सोचा कि नेक्स्ट डे कर लेंगे. और एक्चुअली ट्रेन छूट गई थी. सो ये दूसरा स्टेशन है अभी. और ये ट्रिप होगी 7 दिनों की. और आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं कि मैं नॉर्थ ईस्ट जा रही हूँ, मेघालय में. तो बहुत मज़े आने वाले हैं. एक्चुअली सब एक्सपीरियंस ना फर्स्ट टाइम होगा, बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम एसी ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारा कुछ बहुत पीछे है, तो बहुत दिक्कतें आ रही है. हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है. तो हमें आगे भी जाने का पॉसिबल नहीं है, आगे जाना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रेन वाइन छूट जाएगी, इसलिए सोचा जाने दो. ये ट्रिप में ना सब कुछ फर्स्ट टाइम होगा. फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ और अभी फर्स्ट टाइम फ्लाइट से भी ट्रैवल करूँगी आते वक्त. और भी बहुत कुछ रहेगा जो फर्स्ट टाइम होगा. सो बने रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिएगा ये हमारा सफ़र. ट्रेन छूटेगी उससे पहले मैं यहाँ से निकलती हूँ, आपको मिलती हूँ बाद में. हम आ गए हाजीपुर में और अभी बज रहे हैं 3. अभी हमारा ऑर्डर आएगा डोमिनोज का, उसी के लिए वेट कर रहे हवा है उसे महसूस कर सकते हो. अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो हिट द लाइक बटन. फ्रॉम गुवाहाटी. एक्चुअली मैंने कल रात को व्लॉग नहीं किया बिकॉज बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा, इसलिए सोचा नहीं करते हैं. तो एक्चुअली हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है 5.5 घंटे, बिकॉज बहुत सारा फॉग था. सो इसलिए हमारी ट्रेन लेट हो गई है और हम पहुँचने वाले थे 4:30 बजे, बट हम पहुँचे हैं 10 बजे. बट इट्स ओके, नो वरी.
सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड. और यहाँ पर बहुत धूप है, मुझे लगा बहुत फॉग रहेगा, बहुत ठंड रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है. सो अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे बाहर. पहले भी कुछ खाया नहीं, और हाँ रात को भी कुछ खाया नहीं था. एक्चुअली एक स्टेशन पे रुक के वहाँ पे देखने वाले थे कुछ खाने को है या नहीं, बट कुछ नहीं था. सो फिर हमने हमारे पास जो स्नैक्स और फ्रूट्स था वो हमने खा लिया. तो अभी हम जाएंगे बाहर स्टेशन से और देखते कुछ खाने को मिलता है क्या, और उसके बाद टैक्सी करके शिलोंग पे चलिए. तो स्टेशन के बाहर ही स्टॉल्स है, तो आप यहाँ पे चाहे तो नाश्ता कर सकते हो. हमें बहुत भूख लगी है तो हम कुछ खाएंगे यहाँ पे. वन कनेक्शन, मैं गुवाहाटी नहीं, मैं कामाख्या में हूँ. और अभी हमारा ब्रेकफास्ट करके हो चुका है, बहुत अच्छा हेल्दी सा. तो अभी हम चल पड़े हमारी मंजिल की ओर. और यहाँ से आपको शिलोंग से पहले पल्टन बाज़ार जाना होगा, और वहाँ से आपको टैक्सीज और टैक्सी वगैरह मिल जाएगा. तो तीन ऑप्शन है आपके पास, एक तो यहाँ से ट्रेन से आपको गुवाहाटी जाना होगा, नहीं तो टैक्सी करके पल्टन बाज़ार और वहाँ से टैक्सी शिलोंग के लिए, नहीं तो ब्रिज नहीं, ये ट्रैक वगैरह क्रॉस करके साइड में ही बसेस है, 20 रुपीज़ लगेगा वहाँ से आपको. तो वहाँ से आप पल्टन बाज़ार भी जा सकते हो, बट हमारे पास लगेज बहुत है सो इसलिए हम टैक्सी कर रहे हैं और पल्टन बाज़ार जाएंगे. तो हम वहाँ पे मिलते हैं. तो अभी हम हैं पल्टन बाज़ार में, और यहाँ से हमें करनी है टैक्सी. तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत लोग हमें घिरे हुए हैं यहाँ पे, मेरे दोस्तों को घिरे हुए हैं. तो मैं आपको दिखा दी, तो ऐसे कुछ आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे. तो इस पहले चेक कर लूँ, बैग वैग डाल दूँ, फिर आपके पास आती हूँ. कामाख्या से पल्टन बाज़ार आने में आपको 10 किलोमीटर का रास्ता लगेगा. थोड़ा सा ट्रैफिक था यहाँ पे, बट कोई नहीं, आ गया मैं अभी यहाँ पे. और अभी यहाँ से जाएंगे शिलोंग के लिए. तो यहाँ से शिलोंग के लिए 3 घंटे का सफ़र है, ट्रैफिक रहेगा तो 3.5 घंटा लगेगा. और कुछ 100 किलोमीटर का रास्ता है, और रास्ते में ही उमियाम लेक है, बट अब अभी नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा हुलिया देखो. तो आते वक्त जाएंगे वहाँ पे. सो लेट्स एंजॉय दिस सफ़र. अभी बजे हैं 12:40, और हम पाइन हिल ढाबा करके है वहाँ पे रुके हुए हैं. तो यहाँ पे खाने को तो बहुत कुछ है, चिकन अच्छा दिख रहा है बट नहीं खा सकते बिकॉज रास्ते कुछ ऐसे ऐसे हैं, तो रिस्किंग लगता है वो. तो फिर हम पियेंगे कॉफ़ी और उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे. बहुत सही जा रहा है अभी तक, मस्त ठंड सी हवा चल रही है और बैकग्राउंड में सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है. अभी कॉफी पीके हो गया है, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ. लेट्स गो. तो अभी हम पहुंचे हैं शिलोंग में, और हमारा होटल पुलिस बाज़ार के आसपास ही है. तो जो होटल मैनेजर है वो यहाँ पे आने वाला है हमें लेने के लिए, तो उनका वेट कर रहे हैं हम. उसके बाद हम होटल के लिए जाएंगे. तो अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल की तरफ, और रास्ता कुछ ऐसा था कि मुझे कुछ कैसे तो हो रहा था. तो मैं शांत से बैठी हुई थी, और आपने देखा होगा वहाँ पर उमियाम लेक से हम गुजरे थे. ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया एक्चुअली वेदर में. पहले ऐसा सनी सनी था, उसके बाद ठंडी शुरू हो गया. तो अभी यहाँ का टेम्परेचर
रहेगा कुछ 13 और अभी बजे है 3। अभी हम जाएंगे होटल की तरफ और कुछ दिनों के लिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सुबह जल्दी होती है और शाम भी जल्दी ढलता है। सो लेट्स सी, चलो होटल की तरफ। गाड़ी का रास्ता यहाँ से ओके यहाँ से गाड़ी का रास्ता था। अभी यहाँ सीढ़ी से उठ के सीधा पुलिस बाजार 2 मिनट में। GoPro की बैटरी भी लो है, कभी भी बंद हो सकता है। तो ये है हमारा होटल, तो यहाँ हमारा 2 दिन का स्टे है, तो उसके बाद हम आगे की तरफ निकलेंगे। बट अभी फ़िलहाल हमें फ्रेश होना है और फिर से बाहर निकलना है। तो हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद आए तो श्योरली डेफिनेटली लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, बाय।